हम क्या मस्ती करने वाले हैं? देखो जब हमारी छुट्टी होती तो हमें मस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सबसे ज्यादा ये है मस्ती खोर। तो ये को ये ऐसे कुछ कर रहे हैं, ये क्या है ये? चलो खत्म हो गया, चलो बाकी ये हमारा हॉल है जहाँ हम बैठ के बस दिन भर फ्री टाइम में घर देख लो। तो आप घर पे, हम सबसे पहले आते ही अपने जो बुद्धा जी को दोनों गाड़ियों की चाबियां समर्पित कर देते हैं, उसके बाद हम अपने यहाँ आ जाते हैं। ये बेटे के बर्थडे की कुछ निशानियां पुरानी, कुछ दिन पहले हुआ था तो ये हैं, ये अभी अभी लिखा है हैप्पी बर्थडे जीसू। ये हमारा थोड़ा सा सेटअप है, हमें क्योंकि फिल्मों का बहुत ज़्यादा शौक है, जब हमारी शूटिंग नहीं होती है तो हम सिर्फ अपने रूम में आके फिल्में देखते रहते हैं। 3D मूवी भी है इसमें, 2D भी है, ये लैपटॉप पे डाउनलोड भी होती रहती है। ये पूरा 5.1 का अपना सेटअप लगा है ये पूरा इसमें, तो घर पे कभी कभी रहते हैं तो पूरा सिनेमैक्स का फील करते रहते हैं, यहाँ देखते रहते हैं, ये नेट वगैरह का पूरा यूज़ होता रहता है। बाकी अंदर आइए, दरोगा के नौ ठैया बच्चे सीरियल में हैं, लेकिन घर में जो सिर्फ एक है ये उसका है। यहाँ आराम फरमाते हैं वो साहबजादे। ये सास बहू हमारी बीवी को बड़ा शौक है, हमारी लड़ाई हो जाती है, हमें मूवी का शौक है, उसको सीरियल का शौक है, हम वहाँ बंद करके अपना मूवी देखते रहते हैं। यहाँ वो अपना सास बहू अरमानों की डोली, डोली उड़ गई दिलवालों की, ये सब देखती रहती है, और उसका भी पूरा सेटअप है यहाँ पे। एक किचन है, जब हप्पू जी को कभी कभी शौक होता है तो कुकिंग का बड़ा शौक है, क्योंकि लखनऊ में जब थिएटर करते थे तो खाना बनाने का बड़ा शौक है, तो बस कुछ ना कुछ जब छुट्टी होती है तो पनीर पकौड़े, भजिया, पुलाव सब बनता रहता है। हाँ ये देखो आतंक काटे हैं, ये खराब हो गया, एक भी गुब्बारा नहीं आ रहा इसमें, कुछ देर पहले ढेर सारे आ रहे थे, हाँ एक नहीं निकल रहा, कुछ होता है नहीं, ये कुछ पनीला हो गया, कुछ है नहीं एक भी नहीं बोल रहा। ये देखिए हम मिलाते हैं आपको, ये है छोटा हप्पू जो शरारते करता रहता है और सबको परेशान करता रहता है। अभी नाराज हो रहा है क्योंकि इसकी पूरी सिस्टम डांट लग गई है, ये बुलबुले आना बंद हो गए हैं। और ये है हमारी अर्धांगनी, हमारी वाइफ, जिनसे नौ ठैया बच्चा और प्रेग्नेंट भी बहुत सुनते रहते हैं। असली में अपने देखो भैया, एक ही छोटा अप्पू है और ये बीवी है, रियल गोरी में हमारी यही है। अच्छा आप बताइए कि जब आप बाहर जाते तो लोग बोलते हैं ये देखिए हप्पू सिंह की वाइफ आ रही है, हप्पू सिंह की वाइफ आ रही है, फिर घूसखोर दरोगा की वाइफ आ रही है, वो भी सही सब मांग कर रहता है। दो तीन जगह ये भी रिश्वत मांग लेते हैं ना, भिंडी भिंडी के पैसे नहीं देती होंगी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अच्छा लगता है सुन के। जब आपने इनको देखा था हप्पू सिंह के एक रोल में, ऐसे टोन बाहर निकले हुए, बाल चिपके हुए, पान खाते हुए, तब आपकी क्या रिएक्शन थी? अब वो तो करेक्टर है, वो पता रहता है कि हर कोई नहीं कर सकता है ऐसा, लेकिन हाँ कोई लोग ऐसे, लेकिन थोड़ा पेट ज्यादा बढ़ा दिया डायरेक्टर ने, थोड़ा पेट ज्यादा दे दिया, इनकी लिमिटेड इतना नहीं सोचा था इन्होंने, तो इनको लगा कि शादी तो उससे की थी, ये किस टाइप का बना दिया है।